कल बुधवार को विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जहां बाड़मेर के शिव विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक रविंदर सिंह भाटी द्वारा राजस्थानी भाषा में शपथ ग्रहण करने के बाद एक तरफ राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का मुद्दा गुंजायमान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर से नवनिर्वाचित विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी द्वारा शपथ लेने के बाद जय जगरामपुरी जी महाराज की जय के नारे ने भी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, क्योंकि यह जगरामपुरी महाराज ही थे जिनके सहयोग और आशीर्वाद से डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर से निर्दलीय होकर भी 13,377 वोटों से जीत पाई थी। आपको बता दें कि साल 1949 में जगरामपुरी जी का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के तरह तरह गांव में डुंगरा राम सारण और वीरो देवी माइला गाँव गरल के घर में हुआ। डुंगरा राम ने अपने पूर्वज रामदान के वचन के ऋण को उतारने के लिए दूसरे पुत्र जगराम को तरह तरह के महंत धर्मपुरी जी को विक्रम संवत 2006 में भेंट किया। जगराम का नामकरण संस्कार जगरामपुरी के रूप में किया गया। उस समय जगरामपुरी जी की आयु महज 6 मास की थी। छोटी उम्र होने के कारण बचपन में पालन पोषण उनकी माता जी ने किया और संवत 2014 माघ माह में तरह तरह मठ में लाकर उनका विधिवत संन्यास संस्कार किया गया। जगरामपुरी जी महाराज मितभाषी, सेवाभावी, गौभक्त और संस्कृत के प्रखंड विद्वान हैं। विधानसभा 2024 के चुनावों में वह सदैव हर रैली, हर भाषण, हर रोड शो, हर सभा के दौरान डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ नजर आए थे। वहीं चुनाव चिन्ह बल्ला घोषित होने के बाद महंत जगरामपुरी महाराज अपने हाथ में बल्ला लिए डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए। खुद डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी मानती हैं कि उनकी जीत का एक बड़ी वजह महंत जगरामपुरी महाराज हैं और इस बात को उन्होंने ईसीएन के सामने स्वयं स्वीकार किया था। पूरे चुनाव में जगरामपुरी जी का आशीर्वाद कितना काम आया? देखिए, जो बाप जी का आशीर्वाद था उसी आशीर्वाद ने सभी बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोने का काम किया। 36 कौम की जनता जो एक जाजम पर आई, एक कड़ी बनी, वो बाप जी का ही आशीर्वाद था। कई लोगों के जहन में यह सवाल भी खड़ा है कि अगर इस चुनाव में महंत जगरामपुरी महाराज डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ न होते तो परिणाम क्या होता? क्या जीत का अंतर इतना ही बड़ा होता या फिर जीत किसी और की होती? आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए डीसीएन लाइव को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।